वहीं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस बीच बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा लोगों के बीच में नहीं आए, साथ ही उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को चुनौती देते हुए कहा कि वो अपनी सूची सार्वजनिक करें कि साल 2005 से 2009, साल 2009 से 2014 और 2014 से 2019 तक रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कितने कार्यक्रमों में वो शामिल हुआ और इसके बाद राज्यसभा सदस्य के तौर पर साल 2020 से 2024 तक उन्होंने कितने कार्यक्रमों में शिरकत की। कि ये लोग झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते, दुष्प्रचार करते हैं। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि मैं ऑफिशियल डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, आपको फोटोकॉपी भी मैं दे दूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, दीपेंद्र हुड्डा से, कि भी आपने 10 साल में 2014 से 24 तक आपने कितने प्रोग्राम किए, आप कहाँ कहाँ गए, आप भी अपना ऑफिशियल आप हमारे को दो कि भी आप कहाँ कहाँ गए। आप सिवाय गुमराह करने के, सिवाय झूठ बोलने के आप कुछ नहीं करते हैं। आप अब मेरे को हमारे को दो, आपने क्या क्या किया 2014 में तो बाहर भी नहीं निकला। मतलब एक आदमी गलती से तो बाहर निकल जाता है कि भाई आपको शक्ल दिखाने के लिए। आप देखिए, मैं करनाल से मैं चुनाव लड़ा 2004 में, तो मुझे फ्रैक्चर हो गया था। मुझे डॉक्टरों ने बताया था कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं जा भी नहीं सकता था, लेकिन मैंने वैन पर मैंने गाड़ी बनवा ली थी, उस पर लेट करके मैंने प्रचार किया। लेट करके आप पूछ सकते हो, लेटे लेटे मैंने प्रचार किया। तो 2014 में जो इसने उन्हें बहाना लगाया कि अभी मेरे कमर में दर्द है, ये गए भी नहीं, क्योंकि इन्होंने ऐसा माहौल बना रखा था कि इनके सिवा कोई भी रोहतक की जनता किसी के बारे में सोचती नहीं थी।